अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए अपने मोबाइल पर। दोस्तों आज लेके आए हैं हम आपके लिए ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट कैसे वर्क करती है इनके बारे में आज पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हों, किस तरीके से एक सारा काम सारा प्रोसेस इनका होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन गिल और आप देख रहे हैं सेवन सेंस एक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो रहिए पूरी वीडियो हमारे साथ क्योंकि आधा अधूरा होता है ज्ञान खतरनाक। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ट्रैफिक लाइट्स की। तो ट्रैफिक लाइट कैसे काम करती हैं? ट्रैफिक लाइट्स दो तरह के होते हैं। पहला ऑप्शन होता है जो ट्रैफिक लाइट आम तौर पे सब लोग यूज़ करते हैं, सब गवर्नमेंट सारी लोकल जगह या अच्छी जगह पे यूज़ होता है, तो वो होता है टाइमर बेस्ड, यानी कि हम टाइमर उसमें फिट कर देते हैं, लेके 30 सेकेंड से 2 मिनट्स तक का टाइमर जो है उसमें फिट कर दिया जाता है, और जिससे कि वो ट्रैफिक लाइट जो है अकॉर्डिंग टू द टाइमर वो चेंज या वो होती रहती हैं। तो सपोज करिए अगर आपका नॉर्मल ट्रैफिक है तो 30 सेकंड का टाइमर हमने दे दिया, जो आपकी जो रेड लाइट है, रेड येलो ग्रीन का सिस्टम आप समझते हैं कि रेड का मतलब रुकना, येलो का मतलब स्लो जाइए और आपका ग्रीन का मतलब जो फास्ट निकलिए। तो जो 30 सेकंड है वो करता है कि नॉर्मल ट्रैफिक है आपका तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो ट्रैफिक ज़्यादा है, मान लो पीक आवर्स हैं, तो 1 मिनट कर दीजिए, 2 मिनट्स कर दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम सिस्टम होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपका एक सिस्टम होता है आपके मैग्नेट के बेस पे वो चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी सड़क पे आप जब जाते हैं ट्रैफिक लाइट के आसपास जाते हैं तो आपको वहाँ पे रेक्टेंगल कलर के जो है ना कुछ आपको पिक्स वहाँ पे मिलेंगे, तो वो रेक्टेंगल के नीचे क्या होता है, वायर दबी होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होती हैं, तो वो इसलिए लगी होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वायर जो है आपके सीधा जो है ट्रैफिक लाइट के सिस्टम से जो कंट्रोलर होता है उससे जुड़ी होती हैं, और जब आपकी गाड़ी सपोज वहाँ आके रुकती है उन रेक्टेंगल जहाँ पर ट्रैफिक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो साइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट केबल है उस पर जब आके रुकती है तो गाड़ी में इतना सारा मैग्नेट मतलब आयरन होता है जो लोहा उसमें होता है, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है सिस्टम उसमें आपका जो है शिफ्ट कर जाता है, और शिफ्ट करने के बाद कंट्रोलर में वो पहुंच जाता है कि वहाँ पे कोई गाड़ी है जिसका वेट इतना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उससे जो है शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वहाँ पे वो कंट्रोलर उसको फिर उसी हिसाब से डायरेक्शन देता है कि हमको जो है ग्रीन करनी चाहिए वहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये उस तरीके से काम करता है। अब आप कहेंगे कि यार सपोज करिए कोई इमरजेंसी गाड़ी आ जाती है, मान लो एम्बुलेंस आ जाती है या कोई और ऐसी इमरजेंसी गाड़ी आ जाती है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है? तब ये ऐसे काम करता है, आपने ऊपर देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है या इमरजेंसी सर्विसेज वाली होती है उनके ऊपर एक वाइट कलर की लाइट सी लगी होती है या बैक साइड में वाइट कलर की लाइट सी लगी होती है, तो वो क्या होती है, इंफ्रारेड लाइट होती है जो इंफ्रारेड सिग्नल भेजती है आपके सामने वाले ट्रैफिक लाइट सिग्नल को, और जैसे बताती है कि इंफ्रारेड सिग्नल के जो आपका रेट्स हर्ट्स है उससे बताती है कि कितनी इमरजेंसी। अगर सपोज करिए 10 हर्ट्स है तो वो कहती है कि इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, मतलब इमरजेंसी है पर इतनी हाई 14 हर्ट्स है तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई पेशेंट मरने वाला है या कुछ भी है, तो इस वजह से गाड़ी को जो है ट्रैफिक जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाती हैं जिससे कि वो गाड़ी निकल जाती है। अब इंडिया में जो है बहुत सारी जगह पे टाइमर बेस्ड होती हैं और बहुत सारी जगह पे जो है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ड जो है ट्रैफिक लाइट रन करती हैं, तो ये इस तरीके से टेक्नोलॉजी रन करती है। तो आई होप दोस्तों आपको ट्रैफिक लाइट का आप समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम करती हैं और कैसे ये वर्क चलती हैं, और जो ये आपको समझ अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दो, उस चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो जिससे कि पता लग जाए ट्रैफिक लाइट कैसे वर्क करती है, और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।